नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी मूवी के बारे में जो हमें कई साल पहले ही आज की सच्चाई को बता चुकी है। आज की सच्चाई क्या है? कंटेजियन मतलब वायरस से इन्फेक्ट होना। और आपकी स्क्रीन पे जो पिक्चर अभी आप देख रहे हैं वो उस मूवी का पहला सीन है। पहला सीन, खुशहाल सीन, और जिसको आप देखकर कहेंगे ये एक बहुत ही अच्छी दुनिया है जिसके अंदर लोग रहते हैं और गाड़ियों से लोग जा रहे हैं और आराम से बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। और यहाँ पर दूसरी स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक लड़की है जो शायद किसी कसीनो में या किसी पब में या बार में आराम से मस्ती कर रही है। लेकिन कुछ पीछे जो आप देख रहे हैं उन लोगों को देखिए, वो एक इशारा है आज से 9 साल पहले। आज से 9 साल पहले 2011 में ये मूवी आई थी, इसका नाम है कंटेजियन। और ये मूवी आज की सच्चाई को बताती है। इसकी नेक्स्ट इमेज आप समझ ही गए होंगे, इसके आसपास जितने भी लोग हैं वो कुछ कुछ चाइनीज़ जैसे ही दिख रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि फ्यूचर में आने वाला वायरस चाइनीज़ के द्वारा ही आएगा। फिर ये भी इमेज आपको साफ जाहिर करती है चाइना। और अब आपके सामने है उसके घर वापस लौटने की कहानी, जैसा कि रियलिटी में अभी हुआ है। ये वायरस चाइना में फैला और चाइना से पूरी दुनिया में फैला। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एक पिता और ये माँ जो वहाँ एक्चुअल में आपको देखने पर पता चल जाएगी आराम से थी, मस्ती में थी, और अब वापस आई है अपने बच्चे के पास। और ये है वन टच, उन्होंने किया टच अपने बच्चे को और फैला फिर कोरोना। कोरोना COVID-19 ट्रांसमिशन। और जहाँ पर भी ये टच करेंगी वहाँ होगा कोरोना। यही बात को इसमें पूरी तरह से दिखाया गया है। आप देख सकते हैं स्टेयर्स की रेलिंग पर हाथ लगाना, चम्मच उठाना, बटन दबाना, वाइन के ग्लास को पीना, हालांकि कोई दूसरा उस वाइन के ग्लास को उठाता है, अपने हाथ से आप किसी को चिप्स खिलाते हैं, तो फिर अंत में क्या होता है ये आपके सामने है। वो जब वापस आती है तो बेहोश होने लगती है बिकॉज ऑफ ये कंटेजियन वायरस। और फिर इस वायरस की खोज चलती है, ये वायरस आया कहाँ से है। एक इंस्टेंट इन्फेक्शन, एकदम से फैलने वाला इन्फेक्शन, और अंत में वो होती है बेड पर, यानी कि सेम कोरोना वायरस की स्थिति। सेम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मशीनों से उसका चेक किया जा रहा है, वैसे ही हाथ में ग्लव्स पहनकर फीवर को टेस्ट किया जा रहा है, जैसा कि हम अभी रेगुलरली लोगों को देख रहे हैं। यहाँ पर फिर बाकी लोग भी इन्फेक्टेड होने लगते हैं और साफ तौर से आप देख सकते हैं ये चाइनीज़ व्यक्ति ही दिख रहा है जो मुंह पे आज के दिखने वाले नकाब जैसे लगाए हुए हैं। 1, 2, 3 and 4 ऑल आर देयर विद द मास्क। वन कॉन्टैक्ट कंटेजियन, एक कॉन्टैक्ट से आप हो जाएंगे कंटेजियन, जो सेम अभी है हमारा कोरोना वायरस। सेम आप देख रहे हैं कि इसी तरह के ड्रेस पहनकर पूरी दुनिया में लोग जो डॉक्टर हैं वो घूम रहे हैं। वो 2011 में ही बता दिया गया था, आज से 9 साल पहले। फिर देखिए उसकी खोज खबर चलती है कि ये वायरस आया कहाँ से है, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये पार्टी पूरी तरीके से एक चाइनीज़ पीपल्स दिख रहे हैं आसपास में। देख लीजिए ये चाइनीज़ लोग ही दिख रहे हैं। मैं किसी चाइनीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना ही किसी पर्टिकुलर रेस के। ये एक्चुअल में संदेश था जो हमें बताया गया था 2011 में ये इस तरह से फैलेगा।
फिर देखिए एक व्यक्ति से ये फैलता है चार लोगों को, और चार से फिर फैलता है इतने 16 लोगों को, और ये फिर फैलता ही फैलता जाता है। और इसमें भी आप नीचे का लास्ट के इमेज देख सकते हैं जिसमें चाइनीज़ ज़्यादा दिख रहे हैं आपको, और वो आपको समझना पड़ेगा ये चाइनीज़ दिखाना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक प्री प्लान्ड इल्यूमिनाटी एजेंडा होता है जिसको इस मूवी में दिखाया गया है साफ तौर से। फिर आप अभी ये इमेज देखकर अगर चौंकने नहीं हुए तो मैं नहीं समझता आपको अभी की स्थिति के बारे में सही सही पता है। जो ये मैप इसमें दिखाया जा रहा है एक्चुअल मैप अभी का यही है, आप देख लीजिए रशिया में बिल्कुल भी नहीं फैला है ये कंटीजियस वायरस, तो वहाँ पर बिल्कुल भी देख लीजिए पूरा वाइट दिखाया गया है, बाकी जितना भी रेड है इंडिया है और चाइना के आप जो जिंगजियान प्रांत है वहाँ पर बिल्कुल नहीं फैला है, वैसा ही वाइट उसमें भी दिखाया गया है साफ तौर से। ऑस्ट्रेलिया का भी उसी तरह से है, पूरी तरह से अफ्रीका के अंदर जो साउथ अफ्रीका में फैल रहा है और बाकी केन्या और नाइजीरिया में फैल रहा है वो सब दिखाया है, बाकी इधर के इजिप्ट और इधर इन कंट्री में नहीं फैल रहा है। तो ये चीज़ बिल्कुल एक्चुअल दिखाया गया है, यूरोप में टोटली फैल चुका है, आप देखिए यूरोप कम्प्लीटली इसमें कवर्ड है, यूरोप को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा गया है, यूरोप पूरी तरह से कवर्ड है और वो ही अभी की सच्चाई है। यूरोप का जो रेड कलर है वो ज़्यादा रेड है रादर देन चाइना के वुहान और बाकी सिटीज़ के मुकाबले, तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए ये इटली का ही एक प्रदर्शन है इस पर्टिकुलर इमेज में। अब मेरा कन्फ्यूज़न यहाँ पर शुरू होता है, ये मंकी क्यों दिखाया गया और 104400 क्यों दिखाया गया, एक ये भी एक रहस्य का हिस्सा है। इसमें रहस्य ये है कि ये क्या मंकी से आया है ये वायरस, और 104400 क्या है, ये मैंने सर्च किया गूगल पे, हालांकि मैं ज़्यादा कुछ सर्च नहीं करा लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी कुछ मीनिंग्स मिले माइनर प्लेनेट नेम्स 104001, और इसमें मैंने जर्मनी का नाम देखा बाकी सिटीज़ के नाम देखे, लेकिन हालांकि जो इल्यूमिनाटी है वो जर्मनी से ही स्टार्ट हुआ है, तो इससे मुझे फिर से एक और क्लू मिला कि क्या ये इल्यूमिनाटी एजेंडा के तहत बनाई गई मूवी थी जिसको हमें बताना था 9 साल पहले ही कि क्या आने वाला है और कहां से आने वाला है। फिर देखिए ये सब लोग मरना शुरू, बाकी सब लोग मर रहे हैं, और फिर से एक इमेज आता है जो टोटली इंडिकेट करता है चाइना 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 चाइना, जो अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है, ये वायरस जहाँ से जनरेट किया गया वो चाइना रहा, चाइना चाइना। और फिर आप जो सबसे ज़्यादा सुनने वाला वर्ड अभी मेरे को पूरी दुनिया में आ रहा है वो आ रहा है क्वारंटीन, क्वारंटीन नो एक्सेस सेम ब्रिज क्लोज्ड, मतलब अब क्वारंटीन करने की भी जगह नहीं है, ऐसी स्थिति बनेगी क्या, इससे हमें पहले बचना है, क्या हम बच पाएंगे, इसके लिए अपन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आई थिंक ये लॉकडाउन इंडिया में जो किया गया है वो एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, नो वन इज इम्यून, ये आप समझ लीजिए कोई भी इम्यून नहीं है, और अंत में आपको ये मास्क पहनना ही पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने दूसरों के मास्क उखाड़े थे, जो भी मतलब इसमें सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे को दिल से दुख होता है कभी कुछ लोग किसी दूसरी कम्युनिटी के या दूसरी रेस के या दूसरी पर्टिकुलर मतलब जात धर्म इस तरीके से अगर डिस्टिंग्विश करते हैं, तो वो नहीं करना है, अगर ऐसा करेंगे तो ये अंत करीब है, अंत की तो ठीक है बात, अंत तो आना ही है, हर किसी का अंत होता है, अंत आएगा, लेकिन इस तरह से डर से खौफ से अंत आना ये एक नेगेटिव निशानी है। आपको समझना होगा किसी का जो भी पहना हुआ हो, जो भी जिस तरह से रहना चाहे उसको रहने देना चाहिए, और खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो,
किसी से नफरत ना करो, नफरतों को कम करो, क्योंकि ये नफरतें हमें खा जाएंगी। सिंपल सा, अब खुद नकाब लगा रहे हैं जो नकाब उतारते हैं। तो वायरस इस कंटेजियस। धन्यवाद।